डियर चिल्ड्रन, बेटा आज हम जो लेसन 6 विलियम पॉइंट्स ऑफ पार्टी, इसका हम एंड करेंगे और बाकी की कहानी हम इसमें डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। मैं एक्सप्रेशन आपको हिंदी में बताऊंगा। इससे पहले क्या हुआ था कि आर्की के घर के जाने से पहले विलियम पूछता है, क्या तुमने 100 लोगों को बुलाया है? वहीं से कहानी शुरू होती है। एक्चुअली आई हैव इन्वाइटेड 16 पीपल। तो आर्की बताता है कि मैंने तो 16 लोगों को आमंत्रित किया है। आई ऑलवेज प्रिपेयर फॉर अ लार्ज नंबर। मैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए तैयार रहता हूँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी, किसी भी टाइप की इमरजेंसी के लिए। यू पोस्टेड द इन्विटेशन विलियम। वो विलियम से पूछता है, डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं? आई सेड, मैंने कहा था, डोंट आंसर, उत्तर मुझे मत देना, अनलेस यू कांट कम, जब तक कि तुम आ नहीं जाते। मैंने ऐसा कहा था, इफ़ आई डोंट हेयर फ्रॉम यू, और मैंने तुमसे इस बारे में सुना भी नहीं, आई शैल एक्सपेक्ट यू, मैं तुमसे आशा रख सकता हूँ। आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम एनीवन, मैंने किसी से सुना भी नहीं है, विच मीन्स एवरीवन्स कमिंग। इसका मतलब यह है कि जिन 16 लोगों को मैंने इन्विटेशन भेजा है, वो लोग आ रहे हैं। अ ब्लैंक लुक हैड कम ओवर विलियम्स फेस। विलियम के चेहरे पर एक ब्लैंक लुक आ जाता है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि आर्की ने विलियम को कह रखा था कि तुम ये इनविटेशन पोस्ट कर देना, तब क्योंकि उसने पोस्ट किए नहीं होते हैं, तब वो उसको बड़ा अजीब गरीब लगता है कि अरे मैंने तो करे नहीं है। ही पिक्ड अप द बास्केट एंड वेंट आउट। लेकिन वो अपनी गलती छुपाने के लिए क्या करता है, वहाँ से टोकरी उठाता है विलियम और वहाँ से बाहर निकल जाता है। गॉश, आई थिंक आई नेवर पोस्टेड दोज इन्विटेशन। मेरा मानना है मैंने तो इन्विटेशन किसी को दिए ही नहीं थे। आई रिमेंबर हिम गिविंग देम टू मी। मुझे याद आया उस दिन मुझे उनके यानी उन 16 लोगों के लिए इन्विटेशन इसने मुझे दिए तो थे। आई वॉज वेयरिंग माई रेनकोट डेट डे। उस दिन शायद मैंने रेनकोट पहन रखा था। ऐसा विलियम को याद आता है। दे वेंट टू विलियम्स हाउस। वे विलियम के घर जाते हैं। विलियम फाउंड 16 अनपोस्टेड लेटर इन द पॉकेट। तब विलियम देखता है कि अरे उसकी ऑफिस रेनकोट यानी उसकी रेनकोट की जेब में 16 जो थे अनपोस्टेड लेटर पड़े हुए हैं। विलियम वॉज हॉरीफाइड। विलियम को बहुत डर लगने लगता है। आई नेवर पोस्टेड देम। मैंने तो कभी इन्हें पोस्ट ही नहीं किया। आर्की इज गेटिंग रेडी फॉर अ पार्टी। और आर्की पार्टी के लिए तैयार हो रहा है। दैट नो वन इज अटेंडिंग, जिसे कोई अटेंड नहीं कर रहा है। वी हैव गॉट टू डू समथिंग। अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा। लेट आस्क द पीपल नाउ, सजेस्ट हेनरी। हेनरी ने उसे सुझाव दिया, अरे लोगों से पूछ रहे हैं, लोगों से पूछ लेते हैं। विलियम्स एग्जामाइन द नेम्स ऑन द इनवेलप। अब विलियम उन इनवेलप के ऊपर उन नाम को एग्जामाइन करता है। नो, इट इज मोस्टली माई सिस्टर्स एथल्स फ्रेंड। अरे इनमें से ज़्यादातर मेरी सिस्टर एथल के फ्रेंड हैं। एंड दे आर ऑल एट द टेनिस क्लब। और वो सब इस समय टेनिस क्लब में है। देन लेट्स जस्ट गो बैक। आओ वापस चलते हैं। एंड ऑफर टू ईट अप हिज फूड, सेड जिंजर। जिंजर कहता है तो उनसे हम कहते हैं कि खाना खाने को ऑफर करते हैं हम। नो विलियम, सेड विलियम का नहीं। ही मस्ट हैव अ पार्टी, उसकी पार्टी होनी चाहिए। ही रुइंड हिज ओल्ड पार्टी, उसकी पुरानी पार्टी तो बर्बाद हो गई थी। सो वी बेटर गेट हिम अ न्यू वन, ताकि हम उसे एक अच्छी पार्टी का इंजॉय करा सकें। कम ऑन, आओ चलते हैं। लेट्स फाइंड अ पार्टी फॉर आर्की, और आर्की के लिए एक पार्टी फाइंड करते हैं। जस्ट देन 3 कार्स स्टॉप्ड ऑन द रोड। उसी समय क्या हुआ, 3 कारें आकर सड़क पर रुकी। एंड 4 पीपल गॉट आउट ऑफ ईच, और हर कार में से लगभग 4 लोग बाहर आए। विलियम्स आई ग्लीम, विलियम की आंखें जो थी खुशी से भर गईं। 12 पीपल फॉर आर्चीज पार्टी, 12 लोग तो आर्की की पार्टी के लिए मिल गए। द पीपल सीम टू बी आर्गुइंग ओवर अ मैप। वे लोग जो थे, 12 लोग थे जो चर्चा करके एक एक गाड़ी से उतरे थे, वो एक मैप के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। अ मैन आस्क्ड विलियम, आर वी एनीवेयर नियर मार्ले। उनमें से एक आदमी ने पूछा, क्या हम मार्ले के आसपास हैं? अ वुमन सेड, एक लेडी बोली, वी वॉन्ट टू बाय सम पिक्चर्स फ्रॉम अ फेमस आर्ट कलेक्शन। उसने कहा कि हमें कुछ
पिक्चर्स की ज़रूरत है, हम खुद पिक्चर्स को परचेज करना चाहते हैं एक फेमस आर्ट कलेक्शन से। डू यू नो द वे टू दिस प्लेस, क्या तुम उसका रास्ता जानते हो? विलियम वॉज नॉट लिसनिंग, विलियम तो कोई आवाज़ सुन ही नहीं रहा था। अ शॉर्टकट अक्रॉस द फील्ड वुड टेक देम टू आर्कीज कॉटेज, एक छोटा सा शॉर्टकट खेतों से होता हुआ आर्की के कॉटेज तक पहुँच जाएगा इन अ फ्यू मिनट, कुछ ही मिनट में। ही डिसाइडेड नॉट टू वेस्ट टाइम इन इन्विटेशन एंड एक्सप्लेनेशन, उसने ये डिसाइड किया कि वो अब इन्विटेशन भेजने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ना कोई एक्सप्लेनेशन देने में टाइम वेस्ट करेगा। कम दिस वे ही सेड, उसने कहा आइए इस तरफ आइए। क्लाइंबिंग अ फेंस, एक चार दीवारी को चढ़ते हुए हेजिटेटेंटली द ग्रुप फॉलोड, और हिचकिचाते हुए उस ग्रुप यानी जो हर कार में चार लोग आए थे, 12 लोग थे, उसके पीछे हुए पीछे चल दिए हिचकिचाते हुए। विलियम फ्लंग ओपन आर्कीज डोर, विलियम ने अचानक से धड़ाम से दरवाज़ा खोल दिया आर्की का। हेयर दे आर आर्की, देखो वो लोग जिन्हें तुमने इनवाइट किया था वो यहाँ हैं। आर्कीज केम आउट ग्रिनिंग, आर्की जो है अपने दांत निकालता हुआ बाहर आ गया। सो गुड ऑफ यू टू कम, कितनी अच्छी बात है तुम यहाँ आए। आर्की बिकेम द परफेक्ट होस्ट, अब आर्की उनके लिए एक परफेक्ट होस्ट बन चुका था। ऑफरिंग फूड एंड ड्रिंक्स, उन लोगों के लिए फूड और ड्रिंक ऑफर कर रहा था। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिज गेस्ट फेस, वह अपने मेहमान का चेहरा नहीं जानता था पहचानता था। बट ही वॉज नॉट वरीड, लेकिन वह चिंतित नहीं हुआ। हिज गेस्ट वर स्लाइटली बीवाइल्डर्ड, लेकिन उसके जो मेहमान थे थोड़े से कन्फ्यूज थे। दे वेंट इन टू द स्टूडियो, वे स्टूडियो में गए। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ देम, उनमें से कहा मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। दे डोंट सीम टू मीन एनीथिंग, ये मतलब ही नहीं है किसी भी तरीके से। दे वोंट, दे आर द मॉडर्न आर्ट, तो उसने कहा मतलब ही होना भी नहीं है, ये तो मॉडर्न आर्ट है। सडनली टू आर्कीज अमेजमेंट, आर्की का अमेजमेंट यानी हैरत और बढ़ गई। दे गेव हिम अ चेक एंड लेफ्ट, उन लोगों ने क्या किया, एक चेक दिया और वहाँ से चले गए। कैरिंग हिज पेंटिंग, उसके साथ साथ आर्की की पेंटिंग भी ले गए। सडनली एट द गेट ही सा एथल, गेट पर उसने एथल को देखा। एंड हर फ्रेंड, एथल उसकी लड़की थी, उसके फ्रेंड को देखा। द रेस्ट ऑफ हिज पार्टी ही रश्ड टू मीट देम, बाकी की पार्टी के लिए वो उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ा। कम इन कम इन, अंदर आ जाओ, दिस इज वेरी नाइस ऑफ यू आर्की, आर्की ने कहा बहुत अच्छी खुशी की बात है, अच्छी बात है। बट आई थॉट यू वुडेंट कम, मैंने तो ये सोचा था कि तुम लोग नहीं आओगे। बट व्हेन यू डिड नॉट आंसर माय इनविटेशन, लेकिन जब तुमने मेरे इनविटेशन का कोई जवाब नहीं दिया, आई न्यू यू वुड, मैं समझ गया था कि तुम आओगे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तो एथल ने उसके फ्रेंड ने कहा आप किसकी बात कर रहे हैं, वी नेवर गॉट एन इन्विटेशन, हमें तो कोई इन्विटेशन मिला ही नहीं। आई सेंट द इन्विटेशन लास्ट वीक, तो आर्की कहता है अरे मैंने तो लास्ट वीक इनविटेशन भेज दिया था, विलियम पोस्टेड देम, विलियम ने ही पोस्ट किया उन सबको। विलियम, एथल ग्रोन, एथल ने गुर्रा कर विलियम की तरफ देखा। सडनली दे हार्ड कार्स आउटसाइड, अचानक उन लोगों ने कार की आवाज़ बाहर की तरफ सुनी। द फॉर्मर गर्स्ट रैन इनसाइड, जो पहले के जो मेहमान थे वो दौड़ते हुए अंदर आए। अपोलाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग, क्षमा मांगते हुए और वो एक्सप्लेन करते हुए आए। कांट थिंक हाउ द मिस्टेक अरोज, हम सोच ही नहीं सकते कि गलती कैसे हो गई। गॉट लॉस्ट अगेन पास द रियल प्लेस बाय एक्सीडेंट, हम दुर्भाग्यवश यानी दुर्घटनावश हम इस स्थान से गुजर गए। दीज आर द रॉन्ग काइंड ऑफ पिक्चर, ये तो रॉन्ग काइंड की पिक्चर हैं। बट वाई डिड यू कम हेयर इन द फर्स्ट प्लेस, स्क्विड द आर्की, लेकिन आर्की ने कहा आखिर तुम पहली बार क्यों आए यहाँ पर। ऑलमोस्ट बरीड बीनीथ हिज पिक्चर्स, उसकी तस्वीरों को लगभग उन्होंने दबा ही दिया था। तब उन्होंने बताया अ बॉय विलियम डायरेक्टेड अस हियर, एक लड़का विलियम था वो हमको डायरेक्ट करके यहाँ ले आया। एवरी वन इकोड विलियम,
तो हर कोई ने एक गूंज के साथ कहा, अच्छा विलियम, क्योंकि ये तीनों का जो आउटला का जो ग्रुप था लोगों को परेशानी में डालता ही था, इस बात पर उनको हैरत हुई। तो बेटा ये हमारे चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट था। वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। इसमें बेटा जो बी पार्ट की एक टेबल है उसके आंसर और सी पार्ट में जो तीन क्वेश्चन हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आंसर लिख दिए हैं, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग आपको जो नीचे हाईलाइटेड बोर्ड दिए हुए हैं ये आपको नोटबुक में नोट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।